हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा। तो अब हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रुप एंड रिंग्स, जो फिफ्थ सेमेस्टर में है आपके पास, और उसकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इसके अंदर हम ग्रुप को अच्छी तरह स्टडी करेंगे। तो ग्रुप क्या होता है, इसको स्टडी करने से पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू गिव्स अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं स्टार से, ठीक है, स्टार से हम इसको डिनोट करते हैं कि हमारे पास अगर कोई दो एलिमेंट है, लेट ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट हैं, और सेट ले लेते हैं जी, ए और बी किसी जी सेट के दो एलिमेंट हैं, जब उस पर ऑपरेशन लगेगा तो वो जो एलिमेंट मिलेगा हमें, अनदर एलिमेंट, वो भी हमें उस सेट से मिलना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो हमारे पास जो ये ऑपरेशन होगा स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि कोई दो एलिमेंट लिया आपने ए और बी, और इस पर ऑपरेशन लगाने के बाद ये एलिमेंट मिला जो आपको, अनदर एलिमेंट, ये भी आपको उसी सेट से मिलना चाहिए, तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये हमारे पास एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, आपको क्वेश्चन में वो दिया हुआ होगा जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स जैसे फर्स्ट करते हैं हम कि एडिशन है जो हमारे पास, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। जाए हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या होता है, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। अगर हम इसके अंदर से फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड से, अगर हमारे पास ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड आ जाता है तो एडिशन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अब स्टार की जगह हमारे पास हमें ऑपरेशन एडिशन का दिया हुआ है, और ए और बी हमने कोई भी दो एलिमेंट इंटीजर के सेट से ले लेने हैं, कोई भी आप दो एलिमेंट ले लो, जैसे मैं वन और टू ले लेता हूँ इंटीजर से, आपको समझाने के लिए, अगर वन को हम टू में ऐड करेंगे तो हमें थ्री मिलेगा, और थ्री भी एक इंटीजर ही होगा हमारे पास। तो आप कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करोगे सेट ऑफ इंटीजर से, उस पर एडिशन का आप ऑपरेशन लगाओगे, तो आपके पास वो जो नया एलिमेंट बनकर आएगा, जैसे यहाँ पर थ्री आया था तो वो भी इंटीजर से ही आएगा ये एलिमेंट, तो हमारे पास जो एडिशन हो जाता है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। कोई भी आप दो इंटीजर्स दोगे उसको ऐड करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। अनदर एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का, कि मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। सेकंड, मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां से देखो बस, आप कोई भी आप दो इंटीजर्स ले लो, कोई भी दो इंटीजर्स के लिए उसके जब आप ऑपरेशन लगाओगे मल्टीप्लाई का, तो वो कहां पर बिलोंग करेगा आपको, जेड में ही बिलोंग करेगा, फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए, ठीक है। यहां पर आपने दो एलिमेंट जेड से लिए तो उसकी अगर आपने ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लाई का तो वो भी आपके पास जेड से ही बिलोंग करेगा। जैसे वन और टू की आप मल्टीप्लाई करोगे, वन और टू आपके पास क्या है, वन और टू आपके पास इंटीजर है, और उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टू मिलेगा, और टू भी एक इंटीजर ही है, मतलब अगर आप किसी दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स पर। जैसे माइनस वन और जीरो इंटीजर्स हैं, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन और जीरो की तो आपको जीरो मिलेगा, और जीरो भी एक इंटीजर ही है हमारे पास। तो इस तरह से पता चल जाता है जो मल्टीप्लीकेशन है इस एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगर ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि वो मतलब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन ना हो, बस आपको इसको फॉलो करना है, जैसे हमारे पास थर्ड सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
ओन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैं एन लिख लेता हूँ। नेचुरल नंबर्स आपको पता है वन से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से वन से आप कोई भी अगर आप दो जैसे नेचुरल नंबर लोगे, ए बी बिलोंग्स टू एन, तो आपको जो ए माइनस बी है, ठीक है, मैं आपका एग्जांपल क्या से बताता हूँ। जैसे आप लेते हो वन और टू, बिलोंग करते हो एन के लिए, एन से नेचुरल नंबर से, तो आप जैसे ही इस पर ऑपरेशन लगाओगे वन माइनस टू तो आपको मिलेगा माइनस वन, लेकिन माइनस वन एक नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप टू में से वन माइनस करोगे तो आपको वन मिल जाएगा, वो नेचुरल नंबर है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में बताना होता है वो हमें बताना होता है फोर पोल ए बी बिलोंग्स टू एन, ये आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए इस केस में, ये वाली यहाँ से, क्योंकि ऑपरेशन आपके पास नेगेटिव है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होता जो ये ए माइनस बी आ जाता है आपके पास, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इस कारण से जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ऐसे समझाने के लिए एग्जांपल लेके, तो मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि कोई दो एलिमेंट नेचुरल नंबर से लोगे तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी इसी से बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रही यहाँ पर, तो इसीलिए ये क्या है हमारे पास, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, जो हमने फर्स्ट दो एग्जांपल अब देखे थे। अब हम ग्रुप के बारे में देखते हैं कि ग्रुप्स क्या होता है, तो ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट जी अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई फोर पोस्टुलेट्स, मतलब अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो वो नॉन एम्प्टी सेट क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। लेकिन एक फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होती है, वो होती है कॉमुटेटिव लॉ, अगर वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो ग्रुप है हमारे पास ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उस फिफ्थ प्रॉपर्टी की हम बाद में बात करेंगे, पहले इन चार प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है द सेट जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन स्टार, अगर कोई दो एलिमेंट हम सेट से लें और उस पर ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में जो दिया हुआ होगा आपको, उस पर ऑपरेशन लगाएं और वो जो हमें मिले वो इसी सेट से मिल जाए ऑपरेशन लगाने के बाद, तो हमारे पास जो सेट होता है वो क्लोज हो जाता है। सेकंड बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो आप इसको एक बार देख लो अच्छी कि कैसे करेंगे हम इसको। एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार्स ओबे एसोसिएटिव लॉ, अगर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, मतलब अगर पहले इस पे ऑपरेशन लगाएं और जो आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करें, या फिर पहले बी स्टार सी करें और बाद में ए के साथ ऑपरेशन लगाएं, फॉर ए बी सी कहाँ पर है, जी से बिलोंग करते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट सच डेट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, मतलब अगर हम कोई एलिमेंट को ई के साथ ऑपरेशन लगाएं तो हमें ए दोबारा ए ही मिले, या फिर हम लिख सकते हैं ई स्टार ए, तो वो ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है हमारे पास। जब हम इंटीजर्स का हमारे पास सेट हो और एडिशन हो हमारे पास, तो एडिशन के केस में ना हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, आपको याद रखना है एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, क्योंकि अगर हम ए में अगर एडिशन है यहाँ पर और ए में कुछ ऐड करें कि हमारे पास ए आ जाए, तो जीरो ही ऐड करना पड़ेगा तभी तो हमारे पास दोबारा ए बन के आएगा यहाँ पर। इनवर्स की बात कर लेते हैं, और मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी वन होती है, ठीक है, तो वो बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लेते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच डेट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई,
कोई ए एलिमेंट अगर हम जी में से लें और तो एक बी एलिमेंट हमको मिलेगा कि हम ए के बी के साथ ऑपरेशन लगाएं तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलनी चाहिए। जो हमें यहाँ आइडेंटिटी मिलेगी ना आइडेंटिटी एलिमेंट वो यहाँ पर मिलनी चाहिए हमें जब हम ए को बी के साथ ऑपरेशन लगाएंगे। और बी क्या होता है, इनवर्स होता है ए का। ये चार प्रॉपर्टीज थी कि नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। ठीक है, चार प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि यही हमारे पास ग्रुप अबेलियन ग्रुप कब बनेगा। तो इसको मैं एक बार टाल देता हूँ यहाँ से कि अबेलियन ग्रुप कब बनेगा, कौन सा ग्रुप अगर यही ग्रुप क्या बनाना हो, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप आपको क्वेश्चन में यही मिलेगा, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना कि प्रूव करो कि ये सेट अबेलियन ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अबेलियन ग्रुप के लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लो पहले, क्या है, कॉमुटेटिव लॉ। कॉमुटेटिव लॉ, कॉमुटेटिव लॉ में क्या होता है, कॉमुटेटिव लॉ में ए और बी अगर दो एलिमेंट हैं ग्रुप के तो हमारे पास क्या होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल होगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉमुटेटिव, फोर होल ए बी बिलोंग्स टू जी के। ठीक है, मतलब अगर ए तो ए को बी पहले बी के साथ करें या बी को ए के साथ करें, रिजल्ट सेम ही है। ये कॉमुटेटिव लॉ होता है जब हमारे पास किसी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप बनाना हो। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या होता है, कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर जी को ग्रुप बनना है तो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और कॉमुटेटिव लॉ। और ये तो ग्रुप के लिए, और कॉमुटेटिव लॉ अबेलियन ग्रुप के लिए, ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा लेते हैं तो कोई नॉन एम्प्टी सेट अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। शो दैट जेड सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है और हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन का। तो हमने अभी अभी देखा था कि कौन सी पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होता है हमें किसी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बनाने और उसी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए। फर्स्ट हमें क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ हमारे पास कॉमुटेटिव लॉ भी हमें इसके अंदर दिखाना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। हमें पता है सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू क्योंकि सेट हमारे पास इंटीजर्स का दिया हुआ है ना, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, इज आल्सो एन इंटीजर। तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी, अगर ए बी, ए प्लस बी कहां पर बिलोंग करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए। हमने क्या किया, हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना होता है। मैं रफली आपको बता देता हूँ कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में हो तो उस पर ऑपरेशन लगाने के बाद भी एलिमेंट जो आएगा हमारे पास वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई दो एलिमेंट लिए इंटीजर से और उसकी जो सम होता है इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ ऑपरेशन अगर एडिशन का है या एडिशन का वो, और सेट है हमारे पास इंटीजर्स का, तो वो जो सम होगा उन दो एलिमेंट्स का इंटीजर्स का वो भी हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, दो इंटीजर सेलेक्ट कर लो, चाहे आप जैसे मैंने किया माइनस वन और जीरो, ये जेड में बिलोंग करता है और इनका एडिशन भी कहाँ पर बिलोंग करेगा, जेड में ही बिलोंग करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो वन और टू, ये जेड से बिलोंग करता है तो वन प्लस टू भी कहाँ पर बिलोंग करेगा, जेड से ही बिलोंग करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब जेड इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जेड इज क्लोज्ड, सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या करना होता है, एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर हमें क्या करना होता है, कोई हमें इसके अंदर तीन एलिमेंट्स लेने होते हैं और हमें ये भी पता है कि जो इंटीजर्स का सेट दे रखा है यहाँ पर, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो ओबे करते हैं एसोसिएटिव लॉ को।
हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हमारे पास क्या होती है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, चाहे तो हम पहले इन दो पर ऑपरेशन लगा लें चाहे पहले इस दो पर ऑपरेशन लगा लें और बाद में सी के साथ इसमें बाद में ए के साथ। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेट है इंटीजर्स का और यहाँ पर ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन का, तो यहाँ पर जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी होल्ड कर जाता है। आप ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख के देखो तो आपके पास ये और ये इक्वल आ जाते हैं। अगर आप ए की वैल्यू जीरो रफली मैं आपको वैसे बता दूँ समझाने के लिए, बी की वैल्यू वन सी की वैल्यू टू रखोगे तो आपके पास ये आंसर भी थ्री आएगा ये आंसर भी थ्री आएगा, ठीक है। तो मतलब ये ला जो एसोसिएटिव लॉ है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में क्या कर गया होल्ड कर गया, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो जाती है सेटिस्फाई हो जाती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन के केस में सेट ऑफ इंटीजर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो होगा। कैसे हमने जीरो किया जेड, जीरो हमारे पास जेड से बिलोंग करता है, हमने किया था कि ए स्टार ई की वैल्यू हमारे पास ए आनी चाहिए। तो ऐसा हम कोई भी एलिमेंट लें सेट ऑफ इंटीजर से उसमें क्या ऐड करें कि हमें दोबारा वही एलिमेंट मिल जाए, तो उसमें क्या ऐड करें हम क्या ऐड कर सकते हैं फॉर ए बिलोंग्स टू जेड के लिए ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए में आप कुछ भी ऐड करो तो ए आए तो वो जीरो होगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है वो जीरो हो जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। जैसे आप कुछ भी अगर आपके पास ए फाइव है और फाइव एक इंटीजर है, फाइव में आप क्या ऐड करोगे कि आपको फाइव ही मिल जाए दोबारा, तो जीरो ही ऐड करोगे ना, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट कर गई और हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है इसमें जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमारे पास क्या है जो ऑपरेशन है। अब रह गया हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ हमारे पास है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के केस में क्या होगा कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो हम क्या कर मतलब हमने क्या करना था इसमें कि ए और साथ में कुछ भी जो भी एलिमेंट आएगा हमारे पास वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो इंटीजर के केस में मतलब इंटीजर के केस में हमारे पास जैसे हमने फाइव एग्जांपल लिया तो माइनस फाइव भी तो एग्जिस्ट करता है, जैसे ए अगर फाइव है तो माइनस ए मतलब माइनस फाइव भी एग्जिस्ट करेगा ताकि ये ऐड होकर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। हमें इसके अंदर यही करना होता है कि जो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिले हम कि हमारे पास यहाँ पर क्या आए कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, और आइडेंटिटी इस केस में हमने अभी अभी डिस्कस की थी वो थी जीरो, तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास वो माइनस ए एग्जिस्ट करेगा तो इसका इनवर्स माइनस ए आ गया, ठीक है। जो ये एलिमेंट होता है ये इसका इनवर्स होता है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, यहाँ पर माइनस ए एग्जिस्ट करेगा ताकि ये ऐड होकर हमें क्या मिल जाए जीरो मिल जाए। अब बात करते हैं लास्ट की कॉम्यूटेटिव लॉ की। कॉम्यूटेटिव लॉ सिंपल है बिल्कुल, ये लास्ट है ताकि हम अबेलियन ग्रुप दिखा सकें। फिफ्थ है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें क्या होता है हमारे पास इसमें क्या होगा जो ए इसके अंदर क्या होता है मैंने यहाँ पर जो हमने किया था ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए।
मतलब ऑपरेशन है हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है क्या इंटीजर के केस में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब ए की वैल्यू जैसे हमने 1 रखी, बी की वैल्यू हमने 2 रखी, वैसे समझाने के लिए इंटीजर्स की वैल्यू रखी, उसको चाहे आप ए प्लस बी ऐसे ऐड करो चाहे इस तरह से ऐड करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, चाहे आप इसको ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो ये आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो इस केस में क्या कम्यूटेटिव द सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में क्या बन गया हमारे पास होल्ड कर जाता है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो जाती है सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमारे पास पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो जेड प्लस इज एन हमारे पास क्या हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया। जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप हमने पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा ली ठीक है। तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने कोमुटेटिव लॉ कोमुट क्लाउजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराई, फिर एसोसिएटिव लॉ, थर्ड इसकी आइडेंटिटी जीरो है, फोर्थ इसका इनवर्स माइनस ए एग्जिस्ट कर गया, और फिफ्थ कोमुटेटिव लॉ भी इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जेड है तो सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास, कि सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप ही नहीं होता मल्टीप्लीकेशन के केस में। एडिशन के केस में तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनता है, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के केस में वो ग्रुप ही नहीं बनता। मतलब जो फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी है उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देखते हैं आप कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई दो एलिमेंट लेने हैं सेट ऑफ इंटीजर से और उस पर ऑपरेशन लगाना है और वो उसी सेट में जाना चाहिए। तो ए और बी हमने दो एलिमेंट लिए, जब उसको मल्टीप्लाई किया तो वो दोबारा जेड में ही जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो जेड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कैसे, कोई भी दो इंटीजर ले लो आप, लेट अस से 2 और 3 ले लिया, जेड से बिलोंग करते हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 और 3 की तो हमें 6 मिलेगा, तो 6 भी तो एक इंटीजर है तो ये भी तो हमें जेड में ही मिलेगा। अगर कोई दूसरा एलिमेंट भी, कोई भी आप इंटीजर लोगे और उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा आपको। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है सेटिस्फाई। बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिविटी की बात करेंगे तो क्या होता है इस केस में, अगर हम पहले बी क्रॉस सी बी मल्टीप्लाई सी कर दें या पहले ए मल्टीप्लाई बी कर दें और फिर ए के साथ इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी हमारे पास क्या होल्ड कर जाता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन में सेट ऑफ इंटीजर्स के। अब कुछ भी ए बी और सी की वैल्यू रख के आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोनों इक्वल ही मिलेंगे, जैसे हमने एडिशन के केस में किया था, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था इंटीजर के केस में अगर एडिशन हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, मल्टीप्लीकेशन हो तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में सिंस ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए, इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर आप किसी कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने ए एलिमेंट लिया जेड से, तो उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जेड वहाँ पर प्लस लिखा था मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करें ए को, कि हमें ए ही मिल जाए, तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। तो इसलिए जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड और 1 belongs to Z, क्योंकि 1 भी हमारे पास कहाँ से belong करता है, Z से ही belong करता है। बात करते हैं inverse की। Inverse इसमें exist नहीं करता, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं non existence of inverse। इसमें क्या होगा, फोर ए बिलोंग्स टू जेड, बी इनवर्स होता है इसमें, क्योंकि इसमें हम ऐसे करते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास ए ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी 1 है, तो 1 आएगा। तो क्या रखें हम, अगर जैसे हमारे पास ए की वैल्यू अगर 3 है, मैं यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ,
अगर आपके पास ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए ना, तभी तो आपको ए क्रॉस बी, तभी तो ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, 3 × 1/3 दैट मीन्स 1। लेकिन जो ये ए और बी है ये भी हमें इंटीजर में से ही मिलने चाहिए, लेकिन ए तो हमारे पास इंटीजर है लेकिन ये तो हमारे पास इंटीजर नहीं है ना, ये तो इंटीजर नहीं है, तो इस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये जो हमारे पास जेड होता है, जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए ग्रुप, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस जेड इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन से डिस्कस किए इसके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसके, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।